वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आजकल पता ब्लॉग बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों आलस इतना आता है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, इच्छा नहीं होती है। और आज मैंने देखो क्या पहना है, ये है इनको बोलती है शाखा पोला, मतलब ये ना कलकत्ता साइड में ये मेन सुहाग होता है, तो ये मेरे पास रखे थे तो मैंने पहन लिए। कैसे लग रहे हैं? और इसको एक बार पहनने के बाद जब तक ये टूटते नहीं है तब तक उतारे भी नहीं जाते हैं। कैसे लग रहा है? अच्छा सॉफ्ट में रहा। और ये बोलबा कर रहा है, मम्मी अपना सीरियल देख रही है। और आज ना अंदर वाले कमरे में बिल्कुल भी बैठने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि इतनी गर्मी और गर्मी से ये देखो मेरे ना पिंपल्स निकल आया, मतलब पिंपल्स नहीं है ये गर्मी से फुड़िया से हो रही है। यहाँ पर मैंने फोड़ लिए इसको, मेरे हमेशा परी बहुत कचर कचर करती है, मेरे हमेशा ना बिंदी के या तो बिंदी के यहाँ पे हो गई या यहाँ पे हो गई, बिंदी के पास में ज्यादा फुड़िया ऐसी होती है, फुलसी टाइप की, पता नहीं क्यों, या फिर यहाँ पे होगी या फिर मेरी आईब्रोज में फुलसी होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को पसीना बहुत आता है, बहुत ज्यादा गर्मी इतनी उमस हो रही है, किचन में जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही। मैं मम्मी से बोल रही, मैंने की काश अपन लोग सब लोग चावल ही अकेले खाते होते तो बढ़िया चावल दाल बना देते, रोटी की आदत खत्म होती है। ठीक क्या करें, हम लोग ना चावल नहीं खा सकते, चावल से हम किसी पापा नहीं खाते, चावल परी के पापा नहीं खाते, मैं और मम्मी तो कुछ भी खा लेते, हमारे लोगों की टेंशन नहीं है। और मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि इतनी गर्मी में बिल्कुल और अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों खाना बनाने की क्या जरूरत है मंगाने। अच्छा ज्यादा राइस हो रहे हो, देखो कैसे सूख के हड्डी हो गए हैं, 4-5 दिन ही 8-10 दिन ही हुए स्कूल जाए हुए, 1 जुलाई से 10 दिन मान लो, 2 जुलाई से हमने स्टार्ट किया है और देखो कैसे सूख गए बिल्कुल, दोनों कमजोर हो गए। 6 बजे सुबह 5:30 बजे खड़ा होता है वो, देखो बिल्कुल दांत दांत दिखने लगे क्योंकि खाना भी नहीं खा रहा है प्रॉपर, आता है थक जाता है सो जाता है, कोचिंग रात में एक रोटी खाई बिल्कुल हालत खराब है, गर्मी इतनी पड़ रही है, बच्चे क्या करें, संडे को ही थोड़ी राहत मिलती है, सही बोल रहा है। तो हम लोग मस्त है, हम लोग तो नहीं जा रहे थे स्कूल, तब तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, इन लोगों ने मचा दी थी, ये लोग इतना कर देते जो 10 दिन बचे स्कूल को लेकर बेटा रुक जाओ तुम्हारे स्कूल खुलने दो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा मम्मी मुझे भूख लग रही है, मेरी प्यास लग रही है, यह भी कहने की फुर्सत नहीं मिलेगी, परेशान करना तो दूर ले गए, वास्तव में वही होता है, सुबह 5:30 बजे उठते हैं, रात के 10:30 बजे सोने को मिलता है, दिन में 2-1 घंटा मिलते हैं, शाम को 2-1 घंटे मिलते हैं, बस पूरा दिन ही बिजी रहते हैं, 2:30 बजे आता है स्कूल से, 2:30 बजे आएगा खाना वाना खाएगा, 3 बज जाएगा, 3 बजे के बाद थोड़ा बहुत सोएगा, 4:30 बजे कोचिंग, फिर 6 बजे कोचिंग से आएगा, फिर 6 बजे का चाय मतलब पीता है, नाश्ता वास्ता करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर खेलेगा, फिर 7:30-8 बजे से मैं होमवर्क करवाने बैठती हूँ, तो कोचिंग का स्कूल का दोनों होमवर्क करता है, तो रात के 9-10 बज जाते हैं, खाना वाना खा के 10:30 बजे सो जाता है। आंटी कह रही है सबको बता दें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, तो अभी कह रहा 5 बज रहे हैं सुबह के, 5:10 हो गए होंगे, और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ और मैं हूँ छत पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा 2 दिन से गर्मी हो रही है तो हम लोग ऊपर ही सोते हैं, मतलब रूम में कूलर लगा है इसमें ऊपर, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं वो जो कूलर लगा है ना वो अंदर कमरे में, वहाँ से क्या है ना ऊपर ना कमरे में कूलर लगा है, खुलाया भी ज़्यादा सामान वामान तो ठंडी हवा आती हो रही है, यहीं पर सो जाते हैं। और चलो बच्चों के लंच बना देंगे, बच्चों की ना फरमाइश होती है मम्मी ये बनाना वो बनाना, और आज मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस वाले याद है पूरी रात हो गई, बोतल गिर गई, जो वाले शोल्डर में इतना दर्द है ढंग से सो भी नहीं पाई मैं, बहुत दर्द हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो गया, कल दोपहर में सो गई तो नस बस चढ़ गई, पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो नीचे चलती है, पहले ब्रश व्रश करूँ, फ्रेश हूँ, उसके बाद मैं बच्चों के लिए देखती हूँ क्या लंच बनाना है, रेडी करना है, देव को जल्दी जाना होता है 6:45 में, चलो नीचे चलते हैं।